लखनऊ से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर अपने विचार साझा किए, जहां उन्होंने बताया कि वे कल महाराष्ट्र जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की योजना भारत गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में सीटों की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में उनके पास केवल 2 विधायक थे। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि आगामी चुनावों में यूपी से उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे पर फैसला जल्द ही होगा। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ और इंडिया गठबंधन जीते वहाँ पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहाँ हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। आदरणीय उत्तर प्रदेश में गठबंधन में भी यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल है, नहीं देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। सर अब लोग तो वो घबराए हुए हैं जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए, हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।